Hey yo, Baller, what's up? After a long time, यार आप लोगों से बहुत जरूरी बातें करनी है। वो ये है कि देखो, बात ये कि अब मैं गाड़ी के कंटेंट पे आ गया हूँ, तो जब गाड़ी नहीं है तो कंटेंट नहीं है। एनीवेज, आई एम इन अ 2018 RS, मेरी फेवरेट गाड़ी है, ठीक है? ये लाइक ई क्लास इज माई फेवरेट, ई क्लास के साथ मुकाबले में आती है, बट दिस कार की जो शेप है इस गाड़ी की, आई लव इट। हाइब्रिड इंजन है इसका और बहुत खूबसूरत गाड़ी है। इसका लुक्स ही ने मेरा दिल को जीता है। जो एग्री करता है वो जरूर कमेंट बताए कि ये आपको पसंद है, द न्यू इसी मॉडल में ई क्लास आपको पसंद है। एनीवेज, ये इसकी पिक काफी क्रेजी है, लाइक ओके 160-180 आराम से जाती है। जो सीट्स है ना वो बहुत अनकंफर्टेबल है, लाइक ठीक है लाहौर के, मतलब यार बहुत सख्त है। टोयोटा की तो यही बात है क्राउन की, सीट बड़े सख्त होते हैं। एनीवेज, इससे ज्यादा कंफर्टेबल सीट्स तो मेरे होंडा सिविक के हैं। इसका डाउन साइज मैं आपको बताऊं, डाउन जो इसका नेगेटिव, बाकी सब कुछ A1 है। ये इतनी नीचे है ना कि जब स्पीड ब्रेकर से ये जाती है ना, इतनी लगती है कि मेरे दिल पे स्क्रैच आ जाता है। तो वो मुझे बड़ा बहुत डाउन साइज है इसका। काश इसके अंदर ऑप्शन आता कि ये ऊपर होती, ये ऊपर नहीं होती। एनीवेज, आपको फिर मैं इसके बारे में बताऊंगा काफी अच्छा। ये 13 देती है सिटी के अंदर, बाहर ये मेरे ख्याल में लॉन्ग पे ये मुझे देगी 20, इफ आई मेरी अच्छी स्पीड हो और इसको मैं भगाऊं नहीं तो ये 20 देगी। अभी इस पे देख दो, ये मीटर डाउन, पावर नीचे। और तो ये गाड़ी है यार, मतलब 2018 मॉडल रिम्स इसके, देखो इसकी लुक जो है ना मुझे इतनी पसंद है। पॉलर्स मैं कहता हूँ इसके लुक्स मुझे, मजाक के अलावा, ई क्लास से ज़्यादा मुझे इसके लुक्स पसंद है। इसके जो लुक्स है लाइक अ बैट मोबाइल गाड़ी है यार, इट्स अ ब्यूटीफुल कार माशाल्लाह। वर्थ मनी इसलिए नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़मीन पर लगती है। ये ऑप्शन होना चाहिए था कि ये ज़मीन पर बिल्कुल ना लगे, और इट्स RS फुल ऑप्शन गाड़ी है ये। इस रोड पर हम ज़रा 180 तक टच तो नहीं करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे ये कितना तक जाती है। आए ज़रा हम अंदर बैठते हैं। तो बाहर से तो आपको दिखाया है, अब इसका हम इसमें आता है स्पोर्ट्स, ठीक है? इसमें पैडल शिफ्टर्स हैं, ठीक है? पीछे कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है? एक बूस्टिंग करेंगे हम, ठीक है? 3 खासी भागती है, मीटर डाउन है, ठीक है? अब इसके ऊपर नहीं जा रही, मैंने पूरा पाव दिया हुआ है लेकिन इसके ऊपर नहीं जा रही। तो अच्छी है गाड़ी, ठीक है? इट्स फास्ट, इट्स RS फुल ऑप्शन गाड़ी है, स्पीकर्स इसके A1 है, और आई लव द कार माशाल्लाह, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल गाड़ी। डाउन साइड ये है कि जमीन पे बहुत लगती है, तो ये नहीं होना चाहिए था। एनीवेज, ये इस गाड़ी में बंदा बैठा है, शश का, तो है बॉयज की गाड़ी है, सॉरी टू से, ये लड़कियों की गाड़ी नहीं है, ये सिर्फ लड़कों की गाड़ी है। क्योंकि यार ये जब बैक मोबाइल वाइब देती है, और बहुत प्यारी गाड़ी है, लाइक लिटरली इसकी शेप, इसकी चीज़ें, इसकी लाइटें, इसकी ऑप्शन मुझे बहुत पसंद है। और ये मुझे यार, मैंने कभी आज तक ड्रिफ्टिंग नहीं की, तो मैं इस पर ड्रिफ्टिंग नहीं ट्राई करूंगा, मेरे हाथ से निकल गई, टुक गई तो फिर एक और मसला हो जाएगा। एनीवेज, बहुत प्यारी है। एंड यार पॉलर्स, जैसे आप लोग देख रहे हो इसमें ये ऑप्शंस है, ठीक है? ये इसके ऑप्शंस है, EV है, ट्रैक्शन है, और पार्किंग है, और इसमें स्पोर्ट्स, ये मैनुअल भी हो जाती है और ऑटो भी हो जाती है, पैडल शिफ्टर से भी आप इसको भगा सकते हो। बात बहुत ज़रूरी है, देखो मेरे गाड़ियों का कंटेंट हो गया, तो गाड़ी नहीं है तो व्लॉग नहीं है, ठीक है? अब एक गाड़ी पर मैं बड़ा लगा हुआ था, CLS 63, वो बॉय से मैं बात करो कि वो मान जाए, तो पाकिस्तान में एक ही है CLS 63, ठीक है? उसके बाद मैं उसकी गाड़ी में तो नहीं बैठा, लेकिन अगर सारी गाड़ियों में वो मेरी ड्रीम गाड़ी है। उसका लुक, उसकी पावर, इट्स अ 5.5 लीटर V8 ट्विन टर्बो, बहुत प्यारी है। एंड उसकी पावर यार, उसके लुक्स, उसकी सब कुछ मुझे 10 out of 10 लगती है, ठीक है? वो है भी काफ़ी एक्सपेंसिव गाड़ी, तकरीबन यार 12 करोड़ की है। वो ओरिजिनल है, वाहिद ओरिजिनल एक है, वो कराची पे था, अब वो इस्लामाबाद के बंदे के पास है। एनीवेज, वो इतनी प्यारी है, उसकी जो बैक लाइटें हैं ना, जो एक लड़की की आंखों की तरह उसकी लाइटें हैं, जो टेल लाइट्स हैं, आगे उसकी फ्रंट लाइट्स इज अमेजिंग। और उस बॉय ने ब्लैक बूस्ट से उसको ट्यून करवाया हुआ है,
तो एनीवेज लेट्स सी उससे हम बात करते हैं, अगर उसने ये व्लॉग देख लिया तो अच्छी बात है. अनटिल नेक्स्ट टाइम, हाफिज़.